नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे मंडी की खबर से। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी के करसोग में आयोजित प्रगतिशील हिमाचल के 75 वर्षों के कार्यक्रम में जनता को संबोधित किया है और अपने संबोधन में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार हिमाचल प्रदेश के 75 वर्षों के कार्यक्रम कर रही है, जिससे कि कांग्रेस बेहद परेशान है। उन्होंने कहा है कि देश में कांग्रेस मुक्त अभियान जोरों पर चल रहा है और जनता के सहयोग से आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भी ये रिवाज बदलेगा। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश की सरकार गरीबों की सरकार है और लगातार इसकी और प्रयास जारी है। कार्यक्रम जो है ये विशेष तरह का कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम का आयोजन हमने यहां पर आज करसोग विधानसभा क्षेत्र में रखा। हमारे कांग्रेस के मित्र आजकल बहुत परेशान हैं। आजकल ऐसे भी श्राद्ध लगे हैं, लेकिन श्राद्ध के समय श्राद्ध के साथ साथ में उनका बहुत खराब वक्त चल रहा है, बुरा वक्त चल रहा है। हमने कहा भी कि ठीक आदमी से, ठीक पंडित से थोड़ा अपनी ये जंत्री दिखा लो। एक तरफ से वहां भारत जोड़ो यात्रा चली हुई है, एक तरफ से देखिए गोवा से भारत छोड़ो कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है। और इसलिए तो ये हालात बने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सब नेता इसी बात को कह रहे हैं कि हमारे नेता की हालत ये है, जो जिनको ये मालूम नहीं है कि आटा किलो में मिलता है या लीटर में मिलता है। और इसलिए कांग्रेस छोड़ो अभियान जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के कई राज्यों में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का कॉन्क्लेव शुरू हो रहा है, जिसमें कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी अध्यक्षता कर रहे हैं और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। इस कॉन्क्लेव में पर्यटन को आगे बढ़ाने को लेकर मंथन किया जाएगा और चर्चा भी की जाएगी और ये कॉन्क्लेव 3 दिन तक चलेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देना हमारे लिए अहम है। चंडीगढ़ में लड़कियों की जो वीडियो वायरल हुई है उस पर भी मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने हिमाचल पुलिस को कहा है कि इस मामले में पंजाब पुलिस की हर संभव सहायता की जाएगी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मुझे इस बात की खुशी है कि धर्मशाला एक हमारी बहुत एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और पूरे भारतवर्ष के सभी स्टेट मिनिस्टर्स का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के हैं उनकी एक कन्क्लेव यहाँ पर आयोजित हो रही है और उसके लिए केंद्रीय मंत्री जो हमारे कृष्ण रेड्डी जी ने धर्मशाला को चुना है, तो उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। व्यक्तिगत रूप से भी चाह रहा था कि इस प्रकार की कोई एक्टिविटी यहाँ पर हो। पर्यटन के क्षेत्र में अलग अलग स्टेट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं और इसमें कुछ हमारे सांझे प्रयत्न क्या हो सकते हैं, उस दृष्टि से इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। और हम कल उसमें आज शाम को उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कल तक ये कार्यक्रम चलेगा और हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देना ये हमारी प्राथमिकता शुरू से रही है और उस दृष्टि से धर्मशाला में इसका आयोजन होना एक अच्छी बात है मैं समझता हूँ। सर, राजस्व की दृष्टि से बात की जाए तो काफ़ी अहम जो है किरदार रहता है टूरिज्म डिपार्टमेंट का, हिमाचल के लिए क्या क्या खास चीज़ें जो है आप देखिए हिमाचल प्रदेश में हमने नए इनिशिएटिव लिए हैं टूरिज्म के क्षेत्र में, नई राहें नई मंजिलें, एक नई एक स्कीम हमने लॉन्च की है जिसके अंतर्गत नई डेस्टिनेशन हम डेवलप कर रहे हैं। समय लगेगा उसमें और कोविड के कारण बीच में हम थोड़ा उस तरह से गति नहीं पकड़ पाए, लेकिन फिर उसके बावजूद हमने नई डेस्टिनेशन की शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश में। और इसके अलावा जो टूरिस्ट बाहर से आए वो यहाँ के सौंदर्य को, यहाँ के पर्यावरण जो बहुत अच्छा है उस सारी चीज़ को देखते हुए ज़्यादा देर तक ठहर सके, इसके लिए भी कुछ प्लान्स किए हैं। और उस दृष्टि से मुझे इस बात की भी खुशी है कि धर्मशाला का हमारा जो रोपवे का प्रोजेक्ट बहुत लंबित था लंबे समय से, और एक बार सिचुएशन बीच में ऐसी भी आ गई थी कि वो लग रहा था ऐसा कि होगा या नहीं होगा, इस पर भी प्रश्न खड़ा हो गया।
जिला मुख्यालय नाहन स्थित एसएफटीए हॉल में रविवार को भाजपा महिला मोर्चा का सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री इंदु गोस्वामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि प्रदेश भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में महिलाओं की उमड़ी भीड़ को देखकर राज्यसभा सांसद और अन्य नेता गदगद नजर आए हैं। इस दौरान राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने जहां प्रदेश में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने का दावा किया है, तो वहीं कांग्रेस पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है। जो यहाँ सम्मेलन हुआ नाहन मंडल का अद्भुत सम्मेलन था और सबने देखा कि महिला मोर्चा में कितना उत्साह है। अद्भुत उत्साह इस बार फिर 5 सालों के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी, क्योंकि मुझे याद है 5 साल पूर्व जब हम लोग चुनाव मैदान में उतरे थे तो मैं महिला मोर्चा की अध्यक्षा थी, तो ऐसा ही उत्साह उस टाइम भी आया था। मैं तब भी नाहन में आई थी और महिलाओं में ऐसा ही उत्साह था। अद्भुत उत्साह है और महिलाएं उत्साहित हैं कि आने वाले टाइम में वो संदेश दे रही हैं। जब उनकी भीड़ उमड़ रही है, मैं तो पूरे प्रदेश का प्रदेश में जा रही हूँ और महिला मोर्चों के सम्मेलनों में भाग ले रही हूँ। नारी शक्ति इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करने के लिए तत्पर है। नहीं, कांग्रेस ने गारंटियाँ नहीं दी, गारंटियाँ आपने दी, कांग्रेस ने ऐलान किए और कांग्रेस का तो सत्ता में आने का ये मेन वो क्या बोलते हैं मंच होता है जिसमें वो हमेशा ऐलान करते रहे हैं। उन्होंने 60 सालों तक देश को क्या दिया, ऐलान ही तो दिए और प्रदेश को भी ऐलान ही दिए। अगर नाहन का इतना ज़्यादा विकास हो सकता है इन 5 सालों में, वो तो 15 साल से शायद यहाँ पे वे अपना वो कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने इतना विकास किया, अगर पुल, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं, एजुकेशन सिस्टम, अगर बिंदल जी के टाइम में ही नाहन में अगर वो डेवलप होना था, उसके विकास की गाथा अगर बिंदल जी ने रखनी थी, तो भाई तुम 50 सालों में यहाँ के शासन करके क्या करते रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और ओलंपियन बबीता फोगाट ने शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की जयराम सरकार की उन्होंने जमकर तारीफ की है। बबीता फोगाट ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता को देखते हुए वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। बबीता फोगाट का कहना है कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने महिलाओं को बराबरी का हक देने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं प्रदेश और केंद्र स्तर पर लागू की हैं। लाभान्वित होती है महिलाएं इससे, और आप किस तरह देखते हैं योजनाओं को, कितना लाभ है यहाँ की महिलाओं को? देखिए, सिकंदर और हमारे राज्य की सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सब महिलाएं उसका भरपूर मात्रा में लाभ उठा रही हैं, और आज पूरी जो है हिमाचल प्रदेश की जनता महिला और खासकर जो महिलाएं हैं वो जयराम ठाकुर जी हमारे मुख्यमंत्री जी के राज्य की सरकार से बहुत खुश है। इसके अलावा मैम, आप महिला सम्मेलन को भी आज संबोधित करने वाले हैं, क्या रहेगा, क्योंकि पहाड़ी प्रदेश में समस्याएं भी अलग होती है महिलाओं की, आप क्या संदेश लेकर आई हैं आज के दिन? देखिए, भले ही समस्याएं अलग हो लेकिन उन समस्याओं को जानते हुए हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने उन समस्याओं का निवारण भी किया है और हमारी महिलाओं बहनों को वहां तक उनको वो सुविधा भी प्रोवाइड करवाई है, चाहे वो उज्ज्वला योजना को लेके हो, चाहे वो गृहिणी योजना को लेके हो, चाहे नारी को नमन लेके योजना हो, चाहे वो राजनीति के अंदर 50% जो आरक्षण को लेके हो, तो हर क्षेत्र में महिलाओं को सम्मान दिया गया है और उनको आत्मनिर्भरता की ओर उनको लेके जाया गया है ताकि वो आत्मनिर्भर भी बन सके। प्रदेश में चुनाव है और लगातार नाहन में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रुपेंद्र ठाकुर ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आज प्रदेश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। रुपेंद्र ठाकुर ने कहा है कि महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है, बेरोजगारी चरम पर है, हरियाणा राज्य के युवाओं को प्रदेश में रोजगार दिया जा रहा है, तो वहीं कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सरेआम खनन माफिया, वन माफिया समेत गैंगस्टरों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने विकास के मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा केवल वीरभद्र सरकार के दौरान हुए विकास कार्यों के फीते काटने का काम कर रही है। प्रदेश भर में जयराम जी की सरकार जिन जिन मुद्दों पे पूरी तरह से नाकाम रही है उन मुद्दों पे मैं आज बात करूंगा। उनमें से महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, बिगड़ती कानून व्यवस्था
और सरकारी पैसों का दुरुपयोग, जो करदाताओं के पैसों का दुरुपयोग ये सरकार कर रही है, गोवंश जो लंबी रोग फैला हुआ है उसके बारे में, जो अभी हालत आप प्रदेश में देख रहे हैं क्या स्थिति है उसके बारे में बात करूंगा, और ट्रांसगिरी एरिए की कुछ बात करना चाहूंगा। तो सबसे पहले महंगाई जो है वो चरम सीमा पार कर चुकी है, महंगाई खाने पीने की वस्तुएं जो है वो इतनी महंगी हो चुकी है कि एक दो वक्त की थाली का पूरी तरह से पेट भर भोजन डालना मुश्किल हो गया है। इसी के साथ जो है वो बेरोजगारी इस कदर बढ़ चुकी है कि पूरा प्रदेश का नौजवान जो है वो सड़कों पर उतर चुका है, बेरोजगार नौजवान कब से जो है वो डबल हो गई है इनके, जो भी भारतीय जनता पार्टी के और जयराम सरकार की, जब इन्होंने जो है वो चुनाव का समय था तब जो अपने इन्होंने मेमोरेंडम में डाला था कि हम प्रदेश के नौजवानों को जो है रोजगार देंगे, वो रोजगार देने की दूर की बात है इन्होंने बेरोजगार कर दिए। अगर छुटपुट दे भी रहे हैं छुटपुट तो वो सराज के अंदर और धर्मपुर के अंदर, और आज हम देख रहे हैं कि हरियाणा के लोगों को, हमारे पास और आपके पास उसके प्रूफ है कि हरियाणा के लोगों को जो है वो रोजगार लड़कों को दिया जा रहा है, हिमाचल के लोगों को जो है वो कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। कानून व्यवस्था की जो है हालात जो है वो पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं, कानून व्यवस्था का कोई, अभी ऊना का वाकया आपने देखा किस तरह से गोली चल रही है, किस तरह से जो है अभी हमारे कोटा साहब के अंदर, सिरमौर के अंदर जो है वो पूरे खनन माफिया ने और वन माफिया ने जो है वो शरेआम जो है वो सरकारी एम्प्लॉयज को, इंस्पेक्टर को, एक माइनिंग इंस्पेक्टर को, फॉरेस्ट गार्ड को अगवा करके जो है, पिटाई करके जो है वो उनको जो है वो उत्तराखंड की सीमा पार कर दिया था। राज्य पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज देवभूमि हिमाचल की पर्यटन नगरी धर्मशाला से हो चुका है। शुभारंभ मौके पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान कहा है कि 18, 19 और 20 को भारत सरकार और टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से सभी राज्यों का टूरिज्म मिनिस्टर कॉन्क्लेव धर्मशाला में आयोजित किया जा रहा है। इस 3 दिन के भारत में जो टूरिज्म को बढ़ावा देना, डेस्टिनेशन बढ़ाना, डोमेस्टिक टूरिज्म, फॉरेन टूरिज्म, इको टूरिज्म सहित सभी को लेकर मंथन किया जाएगा। इसमें नेशनल टूरिज्म पॉलिसी के विषय में भी विभिन्न लोगों से आइडिया लिया गया है और इसका ड्राफ्ट जो है वो भी वेबसाइट पर लगाया गया है। 18, 19, 20 ये 30 दिन, ये 3 डेज भारत का सरकार के ओर से, टूरिज्म डिपार्टमेंट के ओर से, अलग अलग स्टेट्स का जो टूरिज्म मिनिस्टर्स है, टूरिज्म ऑफिसर्स है, उनका एक कॉन्क्लेव इस हिमालयन धरती धर्मशाला में, इस पवित्र स्थान में हम शुरुआत करने वाले हैं थोड़ी देर के बाद। भारत में कैसा टूरिज्म को बढ़ावा देना, भारत में टूरिज्म को कैसा एंकरेजमेंट करना, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को कैसा डेवलप करना, फॉरेन टूरिस्ट को कैसा अट्रैक्ट करना, डोमेस्टिक टूरिज्म में इंडियन डायस्पोरा और इंडिजियस एक्टिविटी को कैसा बढ़ाना, ये अलग अलग विषय पर नॉट ओनली टूरिज्म पॉलिसीज के अलावा जो आज नौजवान इको टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म, होम टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, जिला बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता संदीप सांखिया ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पूर्व मंत्री विधायक ठाकुर रामलाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। संदीप सांखिया ने कहा है कि जिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारी रामलाल ठाकुर के साथ है। उन्होंने कहा है कि रामलाल ठाकुर ने जिला बिलासपुर के विकास के लिए अहम रोल अदा किया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी, राजीव शुक्ला और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से निवेदन करते हुए कहा है कि ऐसा क्या कारण रहा है कि ऐसे
कद्दावर नेता को इस प्रकार का फैसला लेना पड़ा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जयपुर के अधिवेशन में जो चीजें हुई थी उनको मद्देनजर रखते हुए रामलाल ठाकुर ने इस्तीफा दिया है। परसों जो बिलासपुर कांग्रेस की राजनीति में घटित हुआ, मैं उस विषय पे माननीय ठाकुर रामलाल जी को बताना चाहता हूँ कि जिला कांग्रेस के जितने भी लोग हैं उन्होंने जो पूरे हिमाचल प्रदेश की राजनीति में आपने काम किए हैं और बिलासपुर में जितने भी आपने काम किए हैं और बिलासपुर के लोगों के हितों की जो लड़ाई आपने लड़ी है, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हम आग्रह करते हैं हमारी माननीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से, राजीव शुक्ला जी से, प्रतिभा सिंह जी से कि हिमाचल प्रदेश की क्या वजह रही कि हिमाचल प्रदेश के इतना बद कदावर नेता को ये बात कहनी पड़ी। इसका दूसरा पहलू ये है कि जो मेरी ठाकुर रामलाल जी से बात हुई थी इस विषय पे कि जयपुर अधिवेशन के अंदर ये चीज़ें जो हुई थी तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। लेकिन वर्तमान जो परिदृश्य है वो चुनाव का परिदृश्य है, इसको देखते हुए ठाकुर रामलाल जी निश्चिंत रहें कि हम लोग उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी सारी के सारी आपके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ी है, बिलासपुर का जनमानस आपके लिए साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े। और इसके साथ ही मैं भाई हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव भाई राजेश धर्मानी जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस पत्रकार वार्ता पे बहुत सकारात्मक संज्ञान लिया है और उन्होंने ये कहा है कि रामलाल ठाकुर जो हैं वो प्रदेश के कद्दावर नेता हैं और उनका जो है उनकी बातों पे पार्टी को विश्लेषण करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। हाँ, दूसरी बात एक बड़ी व्यापक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है वो चाहे कांग्रेस पार्टी के अंदर है और चाहे कांग्रेस पार्टी के बाहर है, उसको लेके रामलाल ठाकुर, हम लोग, राजेश धर्मानी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जिंदा रहेगी और आगे तक भी लड़ते रहेंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हर लोकसभा क्षेत्र से रथ यात्रा रवाना हुई है और ये रथ यात्रा हर विधानसभा क्षेत्र, गांव-गांव तक, हर बूथ तक पहुंचेगी और इससे रथ यात्रा के माध्यम से लोगों को जो सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में व्यापक जानकारी भी दी जा रही है। किन किन को इन योजनाओं का लाभ हुआ है, कैसे आप इन सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, इस तरह की तमाम जानकारियाँ जो हैं वो जनता तक पहुँचाई जा रही है। भावी विधानसभा के चुनावों के मद्देनजर धर्मशाला में स्थानीय प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता दिवस मनाया गया। इस दौरान युवा वोटर से लेकर महिला वोटर्स को भी जागरूक किया गया कि कैसे ईवीएम पर वोट दिया जाता है। वहीं एसडीएम शिल्पी वेक्टा ने कहा है कि क्योंकि चुनाव की जो तिथि है वो कभी भी अनाउंस की जा सकती है, इसके लिए प्रशासन ज्यादा से ज्यादा वोटिंग पर जोर दे रहा है और तमाम प्रकार के वोटर्स को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि नैतिक वोटिंग पर ही हमेशा जोर दिया जाता है और अगर इस बार कोई अनैतिक वोटिंग करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि विदित है, इस वर्ष हमारे जो स्टेट है वहाँ पे विधानसभा चुनाव होने तो निश्चित ही हैं, तो क्योंकि चुनाव आगामी महीनों में कभी भी डिक्लेयर हो सकते हैं, अनाउंस हो सकते हैं, तो उससे पहले हम अपने जो जनता है, यंग वोटर्स हैं, बुज़ुर्ग नागरिक हैं, उनको फोकस करना चाह रहे हैं, उन पर फोकस करके ये बताना चाह रहे हैं किस तरह से वोटिंग की जाती है, हमारा ईवीएम वीवीपैट क्या है, आप जब वोट डालेंगे किस तरह से फॉर 7 सेकेंड्स आप व्यू कर सकते हैं वीवीपैट में आपने किसको दिया है। उसी श्रृंखला में क्योंकि आज यहाँ एक बहुत बड़ा शिविर था तो हमने यह मौका देखकर यहाँ पर भी अपना ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस का एक छोटा सा कैंप ऑर्गेनाइज किया है। एथिकल वोटिंग पे हमेशा जोर दिया गया है, इलेक्शन कमीशन ने साल दर साल हर चुनाव में यही बताया है कि हमें एथिकल वोटिंग करनी चाहिए,
किसी प्रलोभन में ना तो हमें आना चाहिए ना ही हमको प्रलोभन देना चाहिए। FIRs का मैंने यही बताया है, फॉर एनी टाइप ऑफ अनएथिकल वोटिंग और अनएथिकल मींस FIR लॉज होती है। इसी श्रृंखला में मैं ये कहूँ कि अगर आप वोट देते हुए अपनी सेल्फी खींच रहे हैं, फेसबुक पर डाल रहे हैं, तो वो पीनल प्रोविजंस जो है उसमें लगेंगे। IPC की धाराओं के तहत हम उसमें कार्रवाई करेंगे और IT एक्ट अलग से लगेगा। उसके अलावा कई बार ऐसे होता है जैसे लोग वोट करेंगे और वो कहेंगे कि मेरे ने जिसको वोट किया वो नहीं दिखा, तो उस समय हम एक अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे VVPAT में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ये देखा जाता है कि उस समय VVPAT में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही सिंबल पाया गया है, तो जिस व्यक्ति ने इस तरह से एक ऑब्जेक्शन रेज किया है, वी विल लॉज FIR अगेंस्ट दैट पर्सन फॉर मेलिशियस एंड अनएथिकल वोटिंग। देखिए, जो हमारा भी स्पेशल समरी रिवीजन चल रहा था जो 11 सितंबर को फिनिश हुआ है, उसमें हमारे 1600 नए वोट बने हैं और इसमें अधिकांश जो हैं यंगस्टर्स हैं हमारे 18 से 19 और उसके अलावा 21 से लेके 29 साल की जो आयु रही है। तो हम यही चाहेंगे कि क्योंकि जब हमारे चुनाव अनाउंस होते हैं तो नॉमिनेशन से 10 दिन पूर्व तक हम लोगों के वोट बना सकते हैं, तो जिनका रह गए हैं वोट बनाने वो भी आएँ, पार्टिसिपेट करें। और वोट बनाना बहुत ही आसान है, ऑफलाइन मोड भी है और ऑनलाइन मोड भी है, उस पर पहले भी चर्चा हुई है। तो जिसका वोट रह गया है वो आकर हमारे ऑफिस में भी बना सकते हैं और वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी हो सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।